नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुधाकर और आप देख रहे हैं आपका खुद का YouTube चैनल, आइए कमाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रेशम उद्योग के बारे में। यह बिजनेस कर हमारे दोस्त आदम्बर जी महीना 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहे क्योंकि आप भी यह बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं और महीना आसानी से 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने ये जो बिजनेस है कितने साल से आप ये बिजनेस कर रहे हैं? पिछले 5 साल से रेशम उद्योग का बिजनेस कर रहे हैं। पिछले 5 साल से आप रेशम उद्योग का बिजनेस कर रहे हैं, इससे आप कितने कमा रहे हैं महीना? महीना 1 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। 1 लाख रुपए आप आसानी से कमा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि आपका जो शेड है तो इसके पूरे सेटअप के लिए कितना खर्चा है आपको? ये पूरे सेटअप के लिए 2 लाख रुपए खर्चा है। अच्छा, तो इसके लिए कुछ सब्सिडी वगैरह कुछ मिली है आपको? हाँ मिली है, 1 लाख रुपए रेशम डिपार्टमेंट की तरफ से 1 लाख रुपए सब्सिडी मिली है। आपको भी अगर सब्सिडी लेनी है तो आप अपने स्टेट के रेशम डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? इसकी लंबाई है 65 फुट। अच्छा, और चौड़ाई है 24 फुट। 24 फुट। तो मुझे ये बताइए कि सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले रेशम डिपार्टमेंट की तरफ से आप अंडे लाते हैं, मंगवाते हैं। अच्छा, और उसमें जब वो अंडे आते हैं लाते हैं तो बाद में उसको फैलाते हैं, इसको ब्रशिंग ट्रे बोलते हैं। तो ब्रशिंग ट्रे बोलते हैं। इस ब्रशिंग ट्रे में फैलाते हैं। इसमें फैलाते आप? हाँ। और बाद में इसको काले कपड़े से ढक देते हैं। काले कपड़े से इसको ढक देते हैं। 48 घंटे इस काले कपड़े में ढक देते हैं, उसको ब्लॉक बॉक्सिंग बोलते हैं। अच्छा, ब्लॉक बॉक्सिंग बोलते हैं। अच्छा, उसको 48 घंटे होने के बाद उसको सुबह के हल्की धूप जो रहती है उसमें हल्की धूप में रख देते है। और रखने के बाद ये जाली है। अच्छा, ये जाली पकड़ता हूँ। अच्छा, ये जाली को इसके ऊपर ढक देते हैं। अच्छा, ऐसे ढक देते हैं इसके। इसके ऊपर ढकने के बाद अच्छा हाँ, ये जो मुलायम सी हरी पत्तियां हैं अच्छा, उसको 1 सेंटीमीटर या उससे 2 सेंटीमीटर को छोटा छोटा करके इसके ऊपर डाल देते हैं। इसके ऊपर डाल, इससे क्या होता है? इसके ऊपर डालने से जो छोटे कीटक है ना अच्छा, वो इसकी जाली के ऊपर आ जाते हैं। जाली के ऊपर आ जाते हैं। इसके ऊपर आ जाने के बाद क्या करते हैं? उसके जाली के ऊपर आने के बाद उसको जाली को ऐसा हल्का ऊपर लेते हैं। अच्छा, लेने से फिर लेते हैं और ये जो बड़ा ट्रे है। अच्छा, ये ट्रे है। हाँ, ये ट्रे में पैराथिन पेपर बोल के रहता है, वो पैराथिन पेपर डालते हैं। अच्छा, और बाद में इसको हल्का से उसके ऊपर डाल देते हैं और अंडाकृति उसको बना देते हैं। अच्छा ठीक है, वो मोर का पीस रहता है ना, वो उसके सहायता से उसको अपन बना देते हाँ, आकार देते हैं। अच्छा, और इसमें कितने दिन रखना पड़ता है वो? इसमें 8 दिन चौकी रखना पड़ता है। 8 दिन तक इसमें रखना पड़ता है। अच्छा, उसको चौकी बोलते हैं। अच्छा, 8 दिन के बाद क्या करते हैं? 8 दिन के बाद इसमें से ये जो रेशम की जो कीट है छोटे छोटे, इसमें आप फैला देते हैं। जब चौकी से लाते है बोले तो घर में से जो कीटक लाते है लाने के बाद ये इसको रैक बोलते हैं। अच्छा, इसको पूरा रैक बोलते हैं। हाँ, ये एक रैक में डाल देते हैं, पूरा फैला देते हैं। हाँ, ये रैक में पूरा फैला देते हैं। इस रैक में कितना और इस रैक में कितना? अपना 250 अंडे का जो चौके है। अच्छा, इसको 125 और इसमें 125 ऐसा। अच्छा, दोनों में डिवाइडेड बराबर करके फैला देते हैं। अच्छा, जब ये बड़े बड़े हो जाते हैं तो क्या खिलाते हैं आप? फैलाने के बाद उसको हरी टहनिया, जो मलबरी की हरी टहनिया है हाँ, वो इसमें हल्का हल्का रख के खिला देते हैं। उसको खिलाते हैं हाँ, और इसमें उनको हम सिर्फ हरी पत्तियां खिला सकते हैं। हाँ, हरी पत्तियां, पीली पत्तियां नहीं खिला सकते। नहीं, पीली पत्तियां नहीं खिलाते, उसमें रस नहीं होता और उसका जो कुकुन का जो कुकुन है वो कुकुन की क्वालिटी नहीं आती है। अच्छा अच्छा, यानी दोस्तों जैसे सुना आप लोगों ने कि अगर आप रेशम का बिजनेस करते हैं तो कभी भी रेशम के कीटक को पीली पत्तियां नहीं खिलाने का है, इतना आप ध्यान में रखिए। और हरी पत्ती दिन में 2 बार सुबह और शाम 2 बार डालने का। सुबह और शाम को खिलाते हैं उसको बराबर 2 बार डालने का, और सुबह और शाम को उसको खिलाने का है। तो मुझे ये बताइए, जब ठंड का मौसम रहता है, ज्यादा कम ठंड रहती है तो इसके टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं? जब ठंड का मौसम रहता है तब लाइट जला देते हैं और गर्मी पैदा कर देते हैं और इससे टेम्परेचर मेंटेन कर देते हैं। आमतौर पर कितना टेम्परेचर लगता है इसको? आमतौर पर 25 से 35 तक टेम्परेचर लगता है इसको और उतना हम मेंटेन कर लेते हैं। मेंटेन कर लेते हैं।
तो मुझे ये बताइए कि कितने महीने में बैच निकलती है? हर एक महीने में एक बैच निकलता है। अच्छा, हर महीने में एक बैच निकलती है। महीने में आप 1,00,000 रुपए कमा रहे हैं, उसमें मेंटेनेंस कितना खर्चा आ रहा है? मेंटेनेंस खर्चा इसमें 10,000 रुपए आता है। 10,000 रुपए यानी आसानी से आप 90,000 इस बिजनेस से कमा रहे हैं। आसानी से। तो इस बिजनेस में कोई दिक्कत या कुछ समस्या, या मान लीजिए कभी कीटक मर जाते हैं, ऐसा कुछ होता है कभी? हो जाता है। उसका टेम्परेचर मेंटेन होता है, हवामान, वातावरण में बदल हो जाए तो बीमारी आ जाती है। उसके लिए आप कुछ दवाइयाँ है ना उसको? ठीक है दोस्तों, हम उसको थोड़े बाद में देखेंगे, दवाइयों को भी पूरी जानकारी हम आपको दे देंगे। तो मुझे ये बताइए कि इस काम में आपको कोई घर के कौन कौन मदद करते हैं? घर के पिताजी है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, भाभी है, घर के आदमी पूरा काम में लगे हुए हैं। हाँ, घर के आदमी काम करते हैं पूरा। इसके लिए आपने जो शहतूत या मलबरी के जो पौधे हैं, हाँ, कितने एकड़ में लगाए? 2 एकड़ में पूरी मलबरी। 2 एकड़ में आपने लगाए और 2 एकड़ से ही आप महीना 90,000 रुपए कमा लेते हैं। तो कितना प्रोडक्शन होता है आपका? एक बैच में 200 kg का प्रोडक्शन निकलता है। अच्छा, 200 kg का प्रोडक्शन निकलता है। मार्केट रेट क्या चालू इसका? उसका मार्केट रेट 500 से 550 तक है अभी चालू, यानी 1,00,000 रुपए पर केजी का। हाँ, यानी 200 kg का 1,00,000 रुपए तो आसानी से हो जाता है। तो आप ये जो कोकून है इसको निकालते हैं, इसका निकालने के बाद इसका मार्केट कहाँ है? इसको निकाल के अच्छी तरह से उसको सैग्रीगेशन करके, अच्छा, थैले में भरकर बेंगलोर कर्नाटक में बेंगलोर है। अच्छा, वहाँ से 60 किलोमीटर मैसूर रोड पे रामनगर बोल के वहाँ पे कुकुन का बड़ा मार्केट है। पूरे भारत देश में अपने वो रामनगर बोल के बड़ा मार्केट है, आप वहाँ पर जाके इसका सेल कर सकते हैं। सेल कर देते हैं। सबसे बड़ा मार्केट है। हाँ, सबसे बड़ा मार्केट। अच्छा, है। कोई दिक्कत तो नहीं है कुछ मार्केट? प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ। और बेचने के बाद नगद कैश मिलता है उधर। अगर आप फॉरन बेच देते तो फॉरन पैसे मिल जाते हैं। नगद कैश मिलता है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए साल में आप ऐसे कितनी बैच निकाल लेते हैं? साल में 8 से 9 बैच निकलते हैं। साल में आप 2 एकड़ से 8 से 9 लाख रुपए कमा रहे हैं इस बिजनेस से? कमा लेते हैं। क्या कहते हैं? मलबरी और शहतूत इसको कहते हैं। इसी को आप रेशम के कीटों को खिलाते हैं? बड़े कीटों को खिलाते हैं। तो ये कितने दिन में बड़ा होता है, काटने का होता है? ये 45 दिन में आता है। 45 दिन में आता है। यानी 1 एकड़ में आपका जो है वो 1 महीने में निकल जाता है। 1 एकड़ में 250 अंडे चलते हैं। तो 1 एकड़ में ये जो पूरे पौधे है जो लगाए है इससे पूरा वो एक बैच निकलता है? एक बैच निकलता है। एक एकड़ से। तो अगर एक बार लगा दिया इसको तो बाद में एक बार जब लगाया तो ये 15 साल तक रहता है। अच्छा, जैसा कि सुना दोस्तों आप लोगों ने, अगर इस पौधे को एक बार लगा दिया तो 15 साल तक देखने की जरूरत नहीं। प्लास्टिक जैसा कुछ दिख रहा है, इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? इसको प्लास्टिक चंद्रिका बोलते हैं। इसको प्लास्टिक चंद्रिका कहते हैं। इसका इस्तेमाल जब ये कीटक स्पिनिंग को आता है, यानी को धागा छोड़ने को आता है। अच्छा, इससे कुकुन बनता है। उसी वक्त ये चंद्रिका इस कीटक के ऊपर डालने से ये ऊपर आके कुकुन बनाती है। अच्छा, कुकुन बनाती है। तो ये कब डालने का इसके ऊपर? ये आखिर के लास्ट टाइम को जब इस उसके मुंह से जो धागा निकलता है दिखता है। अच्छा अच्छा, उसी टाइम ये चंद्रिका उसके ऊपर डालने का। अच्छा, इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप बेरोजगार हैं दोस्तों तो आपके लिए यह बेहतरीन बिजनेस हो सकता है। यह बिजनेस शुरू कर आप महीना आसानी से 1,00,000 रुपए कमा सकते हैं दोस्तों। अगर आपको इस बिजनेस के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो औदम्बर जी का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उनसे कॉल कर सकते हैं और इस प्लांट पे आके इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और यह बिजनेस शुरू कर महीना अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो सबसे आखिर में दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही बिजनेस आइडिया के बारे में वीडियो लाते रहता हूँ। तो फिर मिलेंगे और एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए आइए कमाते YouTube चैनल।